दोस्तों फाइनली बात करें दोस्तों एक और लेटेस्ट भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों एक और भर्ती के बारे में। फायरमैन के पदों पे भर्ती निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हैं वो सभी भर्ती में जा सकते हैं। दोस्तों कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना, पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ए टू जेड जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव यही है आप सभी को गवर्नमेंट जॉब दिलाना। एक साल के अंदर 100% आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। उससे आपको बस छोटा सा काम करना पड़ेगा, आप सभी को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक फॉर्म आपको डालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, तभी आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। यहाँ पर बात करेंगे उम्र के बारे में, नौकरी स्थान के बारे में, सिलेबस के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बता देते हैं। इम्पोर्टेंट डेट यानी कि अप्लाई डेट, लास्ट डेट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि ऑनलाइन तरीके से जो अप्लाई किया जाना स्टार्ट हुआ है, जो कि 31 तारीख 8वां महीना 2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट जो रखी गई है ऑनलाइन अप्लाई की और पेमेंट की, जो कि 30/9/2024 इस भर्ती की लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों, रात के 12 बजे तक। और SBI के कार्ड से ही इसकी फ़ीस है वो आप सभी को कटवानी है दोस्तों। करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है जो कि 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी ठीक है, और UR कैटेगरी के लिए, ठीक है। SC ST EWS कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस चालान नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे इसकी एज के बारे में, एज क्या मांगी है, 18 से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। UR कैटेगरी वाले, SC ST वाले अपने स्टूडेंट इसमें 3 साल और ऐड कर लेना, 5 साल और ऐड कर लेना दोस्तों SC ST वाले, और यहाँ पे OBC वाले यहाँ पे 3 साल और ऐड कर लेना अपने, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अपडेट पसंद आ रही होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपकी जो एज काउंट की जाएगी 1/10/2021 से 2001 से लेके 30/9/2006 तक के बीच में आपका बर्थडे होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है दोस्तों। इस भर्ती में केवल 12वीं पास स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12वीं पास स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस भर्ती में फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। बात करेंगे इसकी फिजिकल टेस्ट के बारे में, यानी कि फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के बारे में। यहाँ पर 5 किलोमीटर रनिंग होने वाली है दोस्तों, जो कि मेल कैंडिडेट की, जो कि 24 मिनट में क्वालिफाई करनी पड़ेगी, जो कि नॉर्मली है आप सभी कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि PST जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपकी जो हाइट मांगी है 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी है, इसमें चाहे UR हो, OBC हो या SC हो, सबकी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है दोस्तों। ST को थोड़ा सा छूट मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चेस्ट जो मांगी है 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मांगी गई है दोस्तों, ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पोस्ट का नाम कांस्टेबल फायरमैन की जो पोस्ट है, सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो 1130 वैकेंसीज आउट की गई है, जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो सभी इस भर्ती का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आप सभी को फॉर्म है फिल करना पड़ेगा, वीडियो के नीचे लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ओके। इंपॉर्टेंट लिंक मैंने यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया, देख सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई लिंक जो कि 31/8 से इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। वीडियो के नीचे क्लिक करोगे तो आप सभी इसका फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूं। इस प्रकार से आपको फॉर्म भी है वो भरना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूरा जो नोटिफिकेशन है मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी आप लोग इसका नोटिफिकेशन रीड कर सकते हो, ओके। फायरमैन की जितनी भी भर्तियाँ स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं यहाँ पर आती रहती है, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जाके फॉर्म में सबमिट कर लीजिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों।